सभी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये प्लान जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, 20x30 में प्लान मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, ठीक है। ये प्लान का डिटेल भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ कैसे कैसे बना है, सारा चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो चैनल पर नए हो तो यार वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो पे, ठीक है। ये आपका 20x30 मतलब 20x30 में प्लान बना हुआ है, ठीक है। ये आपका ऐसे फ्रंट 20 है, गहरा जो आगे से पीछे है 30 है। इसमें आपको दो बेडरूम मिलेगा, एक किचन मिलेगा, हॉल मिलेगा, टॉयलेट बाथरूम मिलेगा, फ्रंट में बरामदा मिलेगा दोस्तों। तो 600 स्क्वायर फीट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे आपको इस तरीके से डिटेल की बात करें तो ये आपको टोटल जो कॉलम की बात करें, यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको कॉलम मिल जाएंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, एक कॉलम यहाँ पे और रहेगा दोस्तों। ये वाला कॉलम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉलम एक और यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब ये कॉलम की बात करें तो पीछे साइड में 3 कॉलम हो जाएंगे, उसके बाद ये 3 3 6, फिर 3 9 3 12, इसमें टोटल आपके 12 कॉलम आएंगे। कॉलम का जो साइज़ हमने रखा है 9x9 का रखा है, क्योंकि ये सिंगल फ्लोर है तो आप 9x9 का कॉलम रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। रूम वगैरह की बात करें तो ये आपका मेन गेट हो जाएगा, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। ये आपका बरामदा है, बरामदे का जो साइज़ है 7 फिट 8 इंच × 6 फिट का साइज़ रखा गया। यहाँ पर आपका गेस्ट रूम एक रखा गया, इस गेस्ट रूम में 2 दरवाजे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इसका जो साइज़ रखा गया 11x10 10.5 फिट का। यहाँ पर आपको आगे हॉल मिल जाएगा, हॉल 14 फिट 2 इंच × 7 फिट 8 इंच का, काफ़ी स्पेसियस है। बीच में हमने सीढ़ी बनाया है 5 फिट 10 इंच में, ठीक है, और 10 फिट 6 इंच में। इसी के नीचे आपका टॉयलेट बाथरूम आपको मिल जाएगा। बैक साइड में आपका एक बेडरूम 10.5x11, और ये आपका किचन 7 फिट 8 इंच × 6 फिट का साइज़ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम का डिटेल है। अब चलते हैं इसका, आपको 3D में दिखाते हैं कि कैसे आपको बनाया गया है। प्लिंथ को यहाँ पे 2.5 फिट ऊपर रखा गया है, ये आपका एक प्लिंथ बीम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लिंथ बीम आपको मिल जाएगा, ये आपकी स्लैब हो जाएगी। यहाँ पे हमने ये 2 फिट 6 इंच डाउन करके इसको डिजाइन को बनाया है, ये 2 फिट 6 इंच करके इस तरीके से स्लोपी रूप में इसको डिजाइन करके डिजाइन बनाया है दोस्तों, ठीक है। अंदर की भी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ, स्लैब को हटा करके आपको मैं अंदर की भी डिटेल आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये आपका बरामदा हो गया, साइज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दोस्तों, और ये आपका एक गेस्ट रूम हो जाएगा। इस गेस्ट रूम में आपको 2 दरवाजे मिल जाएंगे, कि अंदर से भी दिया गया है, अंदर से भी आप चाय नाश्ता आप किसी गेस्ट को आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सीढ़ी दिया है, आप देख लीजिए, आपका सीढ़ी के एरिया हो जाएगा, और ये आपका हॉल एरिया हो जाएगा। लास्ट में एक आपका बेडरूम हो जाएगा, इधर आपका एक किचन हो जाएगा। इसी सीढ़ी के नीचे, सीढ़ी का जब अप हो जाएगा तो इसी के नीचे हमने टॉयलेट बाथरूम आपका इस तरीके से बनाया है दोस्तों। और फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये आपका पूरा फर्स्ट फ्लोर रहेगा, ममटी जो सीढ़ी के एरिया को जो स्टोर करते हैं, जो कवर करते हैं, उसको ममटी बोलते हैं। आपका ममटी इस तरीके से हो जाएगा। चारों साइड हमने छज्जा 2 2 फिट निकाला है दोस्तों, आप देख लीजिए। और खिड़की का जो छज्जा निकला है 1 फिट 2 इंच आपका निकला है दोस्तों, और ये आपका सेकंड फ्लोर। तो इस तरीके से प्लान का डिटेल है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।